कोडरमा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मुक्त कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोडरमा के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में यह केंद्र खोला गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विधिवत रूप से इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के खुल जाने से ओपन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर दूरस्थ स्कूली शिक्षा का लाभ मिलेगा। जो NIOS के द्वारा सेंटर खोला गया है, ये मुफ्त कौशल केंद्र, इसके माध्यम से अभी दो सेक्टर पे, अभी एक तो कंप्यूटर, दूसरा टेलरिंग का है। तो इसके माध्यम से सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि अन्य जो भी स्कूल भी छोड़ चुके हैं वैसे लोगों के लिए भी ये एक अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। और NIOS के द्वारा 103 कोर्सेज चलाए जाते हैं, धीरे धीरे उस यहाँ पर भी उसकी बढ़ोतरी होगी, अन्य कोर्सेज भी शुरू होंगे। और निश्चित रूप से ये NIOS का मुख्य उद्देश्य जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, या फिर जिनकी पढ़ाई किसी कारण से छूट गई, जो नहीं पढ़ पाए, या फिर कोई वैसे लोग जो अपना एक पढ़ाई का उम्र पार करने के बाद भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये NIOS शिक्षा देती है। NIOS के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, और जो 103 कोर्सेस। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 22 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 22 स्कोप ऐप।